होती हैं जो उनको हॉस्पिटल बिल्ड करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसके लिए ऐसी कोई साइट सेलेक्ट करे जिस पे हमारा यूथ सफ़र ना करे। अगर आप देखेंगे डाउनटाउन पूरे इलाके में ये एक हमारा एक ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जो एक हिस्टोरिक ग्राउंड है, जहाँ पे हमारी जनरेशन कई जनरेशन ने यहाँ पे स्पोर्ट्स सीखी है, खेली है। यहाँ से कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ऊपर जाके इंडियन लेवल पे जिन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है। अगर आप रिसेंटली देखें, हमारा एक प्लेयर यहाँ से ही है जो अभी इंडियन टीम में फुटबॉल खेल रहा है, जिसने यही से फुटबॉल सीखी है। ये एक हिस्टोरिक ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हाँ देखिए, हम हॉस्पिटल के अगेंस्ट नहीं, हॉस्पिटल बिल्ड के, लेकिन आप ऐसी साइड देखिए ना जिससे हमारा यूथ सफ़र ना कर पाए। हम देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे ऑफ टाइम में सारा दिन यहीं पे स्पेंड करते हैं, इस स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूथ रेफ्रेन करे ड्रग से, तो फिर आप प्लीज़ आप हमारी रिक्वेस्ट जो कंसिडर करेंगे तो बेहतर रहेगा, वही हमारे लिए ताकि हम अपना स्पोर्ट जो है कैरी ऑन करें। अगर आपको लैंड चाहिए तो पार्क लीजिए, हमें पार्क से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारे इलाके को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है इस पार्क से। और जो ज़मीन है यहाँ बिमना में भी आपके लिए लैंड बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगर आपको वहाँ पहले दो हॉस्पिटल बने तीसरा भी बना सकते हैं आप। अपने इसी ईदगाह को क्यों चुना इसके लिए, जबकि इसमें हजारों लड़के, आप संडे को आइए आप देखिए यहाँ पे कितना रश होता है, कितने लड़के यहाँ पे खेल सकते हैं। ये एक मतलब एक पिच या एक टीम की बात नहीं, यहाँ कम से कम 100-150 विकेटें बनी हुई है, जिसके लिए हम पैसा अपनी जेब से लगाते हैं और विकेट ठीक करते हैं। तो सब लोग इसके लिए खेलने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं यूथ को बचाना, तो मेहरबानी करके हम आपसे अपील करते हैं कि इस ईदगाह को आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, दूसरी जगह आप जाइए। हम हॉस्टल के खिलाफ कोई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे पीछे भी जगह है, आप देखेंगे पीछे भी जगह है मेंबर के पीछे।